हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माइक्रोबायोलॉजी टॉपिक बाय प्रज्ञा त्यागी। आज का हमारा टॉपिक है टाइफाइड। टाइफाइड को हम एंटेरिक फीवर भी बोलते हैं। सबसे पहले ये जो टर्म है टाइफाइड, ये पियर चार्ल्स एंड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दिया था। और टाइफाइड के लिए जो टेस्ट लगाया जाता है विडाल टेस्ट जो बताया था जॉर्ज विडाल ने, और उनके नाम पर ही इसका नाम पड़ा था विडाल टेस्ट। ठीक है, टाइफाइड में क्या है कि सबसे पहली बात तो कि पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है इसका साल्मोनेला टाइफी और साल्मोनेला पैराटाइफी। दोनों क्या है, साल्मोनेला एक बैक्टीरिया होता है और उसी की दोनों ही स्पीशीज है। सिम्टम्स इसमें जो हमें जनरली मिलते हैं, फीवर हो गया, फीवर में भी सस्टेन फीवर क्या होता है ये मैं भी आपको बताऊंगी। एब्डोमिनल पेन, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, वॉमिटिंग, इसके अलावा चेस्ट कंडीशन भी इसमें फील होता है। अब इसमें आते हैं टाइफाइड के बारे में एक बहुत ही पुराने एक स्टोरी है उसके बारे में। स्टोरी में चलते हैं। स्टोरी को है टाइफाइड मैरी। एक्चुअली ये एक कुक थी यूएसए में, तो उनको क्या था कि टाइफाइड हो गया था। अब टाइफाइड हो गया, ट्रीटमेंट प्रॉपर कराया नहीं उन्होंने, उस टाइम पे इतना ज़्यादा होता भी नहीं था, बहुत पुराने टाइम की ये बात है। और ऐसा सुना जाता है इस बारे में, ये स्टोरी है कि टाइफाइड मैरी इनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा टाइफाइड फैलाया था। मतलब ये एक्चुअली कहती है कुक थी, तो ये जिसके लिए भी ये खाना बनाती थी, जो भी इनके हाथ का बना हुआ खाना खाता था और उसको टाइफाइड हो जाता था। तो इन्होंने न जाने कितने लोगों को टाइफाइड अपने जो भी कुक वाला जो टाइम इनका रहा अपने जॉब का, उस टाइम पे इन्होंने इतने लोगों को टाइफाइड इन्होंने किया था। बेसिकली क्या है कि इनका नाम जो था वो मैरी मेलन था, लेकिन क्योंकि इन्होंने इतने ज़्यादा टाइफाइड इन्होंने लोगों को किए, तो इस वजह से जो है इनका नाम जो है टाइफाइड मैरी हो गया। अब कैसे किया इन्होंने, क्या हुआ कि जैसे इनको ये कहा जाता है कि ये बहुत ही अनहाइजीनिक थी। ये क्या करती थी, फ्रेश होने गए तो नेल्स बड़े थे, अनहाइजीनिक रहती थी, तो जो फीसिस थे वो नेल्स में रह जाते थे उसके पार्टिकल्स। और जब ये किसी के लिए खाना बनाती थी तो वो पार्टिकल्स, क्योंकि खाना हाथ से बनाया जाता है तो वो पार्टिकल्स इनके हाथ से निकल के, इनके नेल से निकल के वो खाने में चले जाते थे, और फिर जो कोई भी पर्सन उस खाने को खाता था उसको भी टाइफाइड हो जाता था। तो इसलिए ये बहुत बड़ी एक कैरियर रही है मैरी मेलन, और उस वजह से ही इनका नाम टाइफाइड मैरी जो है यहाँ पे लिया गया। अब आ जाते हैं हम इसके सिम्टम्स से वापस से। सिम्टम्स में मैंने पहला सिम्टम्स आपको यहाँ फीवर बताया। फीवर क्यों होता है, फीवर होता है इन्फ्लामेशन की वजह से। फीवर की वजह क्या है, इन्फ्लामेशन क्या होता है, जब भी कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो हमारी बॉडी में जो प्रोसेस होते हैं उसको इन्फ्लामेशन बोलते हैं, और इस इन्फ्लामेशन की वजह से ही फीवर होता है। ठीक है, अब इसमें मैंने एक टर्म बोली थी सस्टेन फीवर, यानी कि कंटिन्यूसली फ्रिक्वेंटली लगातार फीवर बना हुआ है और हाई फीवर बना हुआ है। क्योंकि जब तक बैक्टीरिया हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहेगा तब तक इन्फ्लामेशन की प्रोसेस रहेगी, और तब तक जो है वो फीवर भी कंटिन्यू बना रहेगा। ठीक है, चेस्ट कंजेशन इसमें एक और है। चेस्ट कंजेशन में क्या है कि लगता है कि सांस नहीं आ रही है, जब तबीयत खराब होती है जनरली फीवर वगैरह में तो हम लोगों को ये प्रॉब्लम लगती है। एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द बना रहता है। डायरिया क्या होता है, डायरिया फ्रिक्वेंटली आपके जो स्टूल्स, आप दिन में जनरली कितनी बार, एक बार या दो बार फेसेस के लिए फ्रेश होने के लिए जाते हैं, लेकिन जब डायरिया होता है तो उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है। इस आप कॉन्स्टिपेशन का मतलब है कि जो स्टूल है वो पास नहीं हो रहा है, हमारे स्टोमक में ही रह जाता है, और वॉमिटिंग। तो ये तो इसके सारे हो गए सिम्टम्स हो गए। अब अगर हम इससे कॉम्प्लिकेशन पे आए कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन टाइफाइड में हो सकते हैं, तो सबसे पहला तो ये है एक अनट्रीटेड डेथ। अगर आप ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे, पेशेंट ट्रीटमेंट नहीं कराएगा तो डेथ हो सकती है। इसके अलावा इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग क्यों होगी। देखो क्या है कि ये जो डिजीज है इसमें क्या है, ये जो डिजीज, जो ये बैक्टीरिया आ रहा है हमारे बॉडी में, ये कहाँ से आ रहा है। ये टाइफाइड मैरी की स्टोरी सुन के तो समझ में आ गया होगा कि ये जो डिजीज है
इसको हम फीको ओरल भी बोलते हैं। फीको ओरल का मतलब क्या होता है कि फीसेस का कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में पहुंचना, किसी भी तरह से हमारी बॉडी में एंटर करना, तो फीको ओरल है। मतलब कि कंटामिनेटेड फूड से या कंटामिनेटेड वाटर से ये हमारी बॉडी में डिजीज आ रही है। तो इसमें बॉडी में आ रही है, स्टोमक में आ रही है, इंटेस्टाइन में जाएगी, ठीक है। इंटेस्टाइन में ब्लीडिंग क्यों होगी, क्योंकि इंटेस्टाइनल अल्सर हो जाएगा। अल्सर यानी कि इंटेस्टाइन के अंदर जब ये बैक्टीरिया ग्रो करेगा, साल्मोनेला बैक्टीरिया जब उसमें ग्रो करेगा, तो वो उसमें छोटे छोटे से होल बनाने स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो इसका जो कॉम्प्लिकेशंस है वो डेथ है अगर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, अल्सर हो जाएगा इंटेस्टाइन में, और किडनी फेलियर भी इसमें हो सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड भी आएंगे, जनरली जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है वो 5 से 14 दिन का है, और समटाइम्स वो इंक्यूबेशन पीरियड इसका मतलब वो 21 दिन तक भी जाता है। 5 से 21 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। इंक्यूबेशन क्या होता है बेसिकली, अगर हम ये देखें तो इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब है कि वो टाइम जब कोई भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर गया है, उसके बाद सिम्टम्स दिखाने में उसको कितने दिन लगने वाले हैं, वो होता है उस बैक्टीरिया का इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। अब आ जाते हैं हम पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस मतलब कि हमारी बॉडी में किस तरह से ये एंटर करता है, देन उसके बाद क्या क्या प्रोसेस ये हमारी बॉडी में करता है। तो पैथोजेनेसिस में क्या होगा, सबसे पहले इंजेशन। इंजेशन मतलब हमारी बॉडी में जाना, किसका, कंटामिनेटेड वाटर का या फूड का। हमारी बॉडी में इंजेक्शन हुआ, इंजेक्शन के बाद में इनवेड होगा, कहाँ पे जाएगा वो, जो फूड में खाया गया है वो जाएगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन से ये कहाँ जाएगा, ब्लड में जाएगा। ब्लड में जाने के बाद WBC इसको कहाँ लेके जाएंगी, लीवर में या स्लीम में, ठीक है, लिवर स्लीम में ले गई। अब यहाँ पे क्या करेगा वो, यहाँ से जाएगा वो मल्टीप्लाई होता हुआ गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर में क्या होता है, बाइल, और बाइल इसको बहुत पसंद है, तो बाइल में सबसे ज्यादा क्या करता है गॉल ब्लैडर में, ये क्या करेगा सबसे ज्यादा मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद में ये कहाँ जाता है, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जाएगा, और यहाँ से ये स्टूल के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो आप स्टूल का टेस्ट लगाएंगे तो उसमें भी आपको ये बैक्टीरिया मिलेगा, आपको पता चल जाएगा कि जो पेशेंट है वो टाइफाइड से इन्फेक्टेड है या नहीं है। तो ये इसकी पैथोजेनेसिस रही। अच्छा, अभी आते हैं हम क्या होता है। जनरली आपने एक चीज़ देखी होगी कि अगर कोई पेशेंट जो है वो कैरियर, जैसे कि वो मैरी वाली स्टोरी हमने सुनी टाइफाइड मैरी वाली, तो वो कैरियर कैसे होता है, कोई भी पेशेंट जो कैरियर कैसे हो सकता है, कैरियर कैसे होगा। मान लो आप ये पेशेंट है, इसको जो था टाइफाइड पॉजिटिव था, ठीक। अभी डॉक्टर ने उसको मेडिसिन दी और बोला कि 10 दिन की मेडिसिन खानी है। इसने क्या किया, 10 दिन की मेडिसिन खाने की बजाय इसने कितने दिन खाई, 7 दिन खाई। 7 दिन खाने के बाद क्या हुआ कि जो इसके सिम्टम्स थे वो तो खत्म हो गए, सिम्टम्स तो यहाँ पे एब्सेंट हो गए, लेकिन कुछ बैक्टीरिया इसके अंदर रह गए। मतलब आधे बैक्टीरिया तो खत्म हो गए, आधे बैक्टीरिया इसके अंदर अभी भी प्रेजेंट रह गए। अब बैक्टीरिया है तो ये क्या कहलाएगा, कैरियर। सिम्टम नहीं दिख रहे, जरूरी नहीं है कि कैरियर के अंदर सिम्टम भी दिखे, कैरियर एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है, मतलब जरूरी नहीं है उसके अंदर सिम्टम्स नहीं है। अब इसने खाई 7 दिन, बैक्टीरिया रह गए। बैक्टीरिया कहाँ रह गया, जो बैक्टीरिया आधे बैक्टीरिया रह गए ना, वो बैक्टीरिया कहाँ रहते हैं इसके अंदर, गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट था इसका, वो बैक्टीरिया गया कहाँ, इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में क्या थी, फीसिस थी। अब वो बैक्टीरिया इस फीसिस के ऊपर जाके चिपक गया, ठीक है, फ्रेश होने गया होगा, और उसके स्टूल के साथ, स्टूल के निकला बाहर और स्टूल के साथ सर ये बैक्टीरिया निकल गया। अब मान लो कि किसी ने जो वो फ्रेश होने के लिए गया है, वो फ्रेश होने के लिए कहाँ गया,
कुछ लोग होते हैं ना बहुत समझदार होते हैं वो लोग, तो वो अपने घर के वॉशरूम को यूज़ नहीं करते हैं, तो वो क्या करते हैं खेत में चले जाते हैं। मान लो वो खेत किसका है, वो खेत है गाजर का या मूली का, ठीक है, यहाँ है यहाँ पे वो फ्रेश हुए। अब वही गाजर और मूली आ गई घर में, और घर में आने के बाद उसको किसने खाया, जिसने भी खाया होगा, विदाउट वॉशिंग खा लिया बिना धोए। तो ये जो बैक्टीरिया था, ये बैक्टीरिया हमारे घर में भी आया और विदाउट वॉश होने के बाद वो हमारे पेट में भी चला, तो हम क्या हो गए, टाइफाइड से इन्फेक्टेड हो गए हम यहाँ पर भी, ठीक है। तो इस तरह से एक पेशेंट जो कि बाद में कैरियर बन गया और उसने अपने फीसिस के थ्रू ये जो है वो टाइफाइड दूसरी जगह फैला दिया। अब आ जाते हैं इसके टेस्ट पे। टेस्ट के लिए हम इसका क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं विटाल टेस्ट। विटाल टेस्ट होता है ब्लड से, ब्लड में जब कोई भी इन्फेक्शन आता है तो ब्लड के अंदर बनने लगती है एंटीबॉडीज। अब जो विटाल टेस्ट लगाते हैं तो उसमें हम यही देखते हैं कि जो ब्लड है उसमें एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, दैट मींस टाइफाइड है पेशेंट को, टाइफाइड पॉजिटिव। और अगर एंटीबॉडीज एब्सेंट है तो पेशेंट हमारा टाइफाइड नेगेटिव। तो ये आपका टाइफाइड रहा। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। टाइफाइड से रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप उसको कमेंट पर डाल सकते हैं। थैंक यू।